कोविड-19 का संक्रमण तीव्र गति से पैर पसार रहा है, जिसके बाद देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बेहद सतर्कता बरती जा रही और लॉकडाउन तक लगाए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 35 घंटे का लॉकडाउन शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत नाइट कर्फ्यू के साथ 8 बजे से हो गई। तो आज मैं अपने ब्यूरो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं शहर का सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला हाफवे चौराहे पर मार्केट तो बिल्कुल बंद पड़ी है। कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पश्चात अधिकारी सड़कों पर आकर लोगों को समझा रहे हैं कि जागरूकता ही कोविड से बचाव का पहला नियम। ऐसे में हम सिटी मजिस्ट्रेट से जानना चाहेंगे कि जो नाइट कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन शुरू हुआ है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएँ रहेंगी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि मार्केट तो बंद है लेकिन लोगों की आवाजाही अभी शुरू हो गया। सर, किस तरह के नियमों को पालन कराया जाएगा, क्योंकि अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। आप इस समय खुद देख रहे हैं जो आम दिनों में जो यातायात था आज के डेट में एकदम कम है, ये वही लोग निकल रहे हैं जो अपने ड्यूटी से आ रहे हैं या वहाँ से। अक्सर चेन की हम चेन को तोड़ना है, पुराना किचन को धोने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घर में रहें, जो भी सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए गए उसका पालन करें, तभी हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। इस चेन को तोड़ना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत लाभ है। सर, जैसे कि विवाह शादी को लेकर लोगों में एक आशंकाएं बनी हुई हैं, जैसे कि कल लॉकडाउन है ऐसे में अगर किसी की शादी है तो क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको लेकर क्या? इसमें आप ऑलरेडी अपलोड हो जाए, इसमें शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, जब लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाता है, उसी का पालन करने के लिए सपोर्ट कर दिया जाए, जो दिशा निर्देश है उसका पालन। जैसे कि नगर सिटी मजिस्ट्रेट ने भी बताया कि शासन द्वारा सभी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, जिससे कि जनता को भी कोई परेशानी नहीं। ऐसे में नियमों का पालन करते हुए ही इस संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है, और वो जब भी संभव है जब आम जनमानस भी इसमें सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर जनवाणी न्यूज़ में रहती है।